ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आ गई। योम शोधा पर रैली, अपने लहू से मुल्क रोशन रखने वाले जानसारों को खराज अकीदत पेश किया गया। महकमा बिजली में ट्रफ की मुसलसल हादसा, भर्तियों की बंदिश खुलवाने, हिफाजती सामान के फुकदान और ज्यादतियों के खिलाफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स की जानिब से योम शोधा के मौके पर रैली निकाली गई। रैली से खिताब में सदर अब्दुल लतीफ निजामानी ने कहा कि गुज़िश्ता बरस 66 बहादुर लाइन स्टाफ ने जाम शहादत नोश करके भी इस मुल्क को रोशन रखा, जबकि ये शहादतों का सिलसिला अब तक जारी है। हम जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। लवाकिन हमसे सवाल करते हैं, ये सिलसिला कब बंद होगा? अगर मुलाजिम शहादत से बच जाए तो माजूरी उसका मुकद्दर ठहरती है, जो मौत से भी बढ़कर है। उन्होंने कहा कि तमाम तर हालात के बावजूद अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। हम कह के कर थक गए हैं कि महकमा में खाली 78,000 असामे को पुर करने के लिए भर्तियां खोली जाएं, पर हाकिम गूंगे बहरे बन चुके हैं। मुलाजमिन की किल्लत से काम का बोझ बढ़ गया है, जो मुलाजमिन व अहले खाना के साथ ज्यादती है। स्टाफ इदारे की रेड की हड्डी है, जिसके दम से महकमा बिजली अब तक कायम है और ये मुल्क रोशन है। जिस तरह हमारे हीरोज हादसा से दो चार हो रहे हैं, ये काबिल फिक्र है, वरना ये इदारा खुद खत्म हो जाएगा। रैली में इकबाल कायम खानी, आजम खान, हनीफ खान समेत सूबाई व मरकज के अहदेदारान व मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की।